एक्सरसाइज 2.5 का फोर सम है, बहुत ही आसान बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहता है, कहता है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है इसमें सूटेबल आइडेंटिटी लगाकर। ठीक है, इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट, इसके अंदर जो आइडेंटिटी लगेगी वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तब क्या बन जाएगा, वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, एक टर्म एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, तो यही तो बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, वो ये वाली चीज बन जानी है, आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्या है, इसमें अंदर क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे टू वाई, जेड की जगह पे फोर जेड। ठीक है, बहुत ही आसान, एक्स स्क्वायर, एक्स का हमारे पास एक्स ही है तो यह एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या है यहाँ पे टू वाई, मतलब टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर क्या है यहाँ पे फोर जेड का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स, कितना हमारे पास तो एक्स ही है। ठीक है, वाई कितना हमारे पास टू वाई है, उसके बाद प्लस टू वाई कितना हमारे पास, वाई हमारे पास टू वाई इंटू जेड कितना हमारे पास फोर जेड प्लस टू जेड, जेड कितना हमारे पास फोर जेड, और एक्स कितना हमारे पास सिंपली एक्स है। ठीक है, यहां तक हमने किया, चलो अब इसको कोलैबोरेट कर देते हैं, क्या है हमारे पास यहाँ पे, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही होता है प्लस टू वाई का स्क्वायर क्या होगा, दो दूनी चार, दो का स्क्वायर चार होता है, y का स्क्वायर y होगा, मतलब फोर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो फोर जेड स्क्वायर, तो फोर का स्क्वायर कितना होता है, चार चौके सोलह, मतलब सिक्सटीन, जेड का भी स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, मतलब जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स टू वाई, मतलब क्या हो गया, दो दूनी चार एक्स वाई, आगे समझ में, प्लस दो दूनी चार, चार चौके सोलह, सोलह वाई जेड। ठीक है, प्लस दो चौके आठ, मतलब एट जेड एक्स, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन, यही हमारा क्या है आंसर, बहुत ही आसान सम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, नेक्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आसान है, सिंपली a प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लग जाना है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको लिख दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, x क्या है यहाँ पे, x क्या है 2x है कोमा, y क्या है यहाँ पे, y क्या आपके पास माइनस वाई है कोमा, आपके पास जेड क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जेड क्या है जेड ही है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लिख दी, अब सिंपल यहां से वैल्यू आपको पुट करनी है आइडेंटिटी के अंदर, तो चलो आइडेंटिटी लिखो, क्या है हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब होगा तो क्या बन जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी यहां पे, चलो सिंपल वैल्यू पुट कर दो आप, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या हमारे पास 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई क्या यहां पे माइनस वाई है का स्क्वायर प्लस जेड का यहां पे ओनली जेड ही है तो जेड का स्क्वायर प्लस 2x, कितना हमारे पास x हमारे पास है 2x, देखो x क्या यहां पे 2x है ना हमारे पास 2x इंटू वाई, हमारे पास कितना है माइनस वाई प्लस टू, वाई कितना है हमारे पास माइनस का वाई है इंटू जेड, कितना हमारे पास सिंपली जेड है, यहाँ के बाद समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट प्लस टू
जेड कितना हमारे पास सिंपली जेड, एक्स कितना हमारे पास 2x, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको, 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर कितना होता है प्लस y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। अगर माइनस y का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है माइनस y इंटू माइनस y, क्या बन गया y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, ठीक है। प्लस z का स्क्वायर, उसके बाद 2 दूनी 4 और माइनस का है मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 दूनी 4 मतलब माइनस का 4xy, उसके बाद 2yz, y क्या माइनस का है तो क्या बन गया माइनस 2yz, उसके बाद प्लस 2z2x मतलब 2 दूनी 4, ये बन गया 2 दूनी 4 और क्या बन गया zx, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर। स्टूडेंट थर्ड सम हमारे पास है, ठीक है, क्या माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, तो यहाँ पे सबसे पहले x लिख लेते हैं, क्या है x यहाँ पे माइनस का 2x है, y क्या है यहाँ पे 3y है, कॉमा z क्या है यहाँ पे 2z है, ठीक है। अब हमें इसमें आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी ये है हमारे पास क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या बन जा रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई, ठीक है, आइडेंटिटी है। अपन ने क्या करना है सिंपल, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। चलो x की वैल्यू बताओ, माइनस का 2x है, ठीक है, माइनस का 2x का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो x हमारे पास माइनस 2x है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y का स्क्वायर, y क्या है यहाँ पे 3y है, क्या है यहाँ पे 3y का स्क्वायर। प्लस z क्या है यहाँ पे, z है 2z मतलब 2z का स्क्वायर प्लस 2x क्या है यहाँ पे माइनस का 2x है इंटू y क्या है यहाँ पे 3y, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 2y कितना है हमारे पास 3y इंटू z कितना हमारे पास 2z, ठीक है। प्लस 2 इंटू z कितना हमारे पास 2z इंटू हमारे पास x क्या है यहाँ पे, x हमारे पास माइनस 2x है, ठीक है। तो ये हमने सभी की वैल्यू पुट करी है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो देखो आप माइनस का 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, क्यों देखो माइनस का 2x है ना, अगर माइनस 2 का x का स्क्वायर है तो मतलब दो बार, तो दो दूनी क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस और एक्स एक्स का स्क्वायर बन जाता है, तो मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या था, 3 का स्क्वायर कितना 9, y का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी कितना होता है 4 मतलब 4z का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 2 3 मतलब मल्टीप्लाई है ना तीनों, ये देखो 2 दूनी 4 चार के हैं 12 और माइनस का है तो मतलब माइनस का 12 और x और y, x और y, ठीक है। अब क्या आपके पास यहाँ पे प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 12 y और क्या है यहाँ पे z प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 किसका माइनस का और क्या है यहाँ पे z और x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना आपको सिंपली 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12xy प्लस 12yz प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 8zx, ठीक है। ये हमारा क्या यहाँ पे आंसर है। ओके नेक्स्ट हम क्या कहता है फोर सम,
ये और भी आसान है, देखो 3a-7b-c का होल स्क्वायर है, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, वैल्यू लिखनी है, x क्या है यहाँ पे 3a है, ठीक कॉमा, y क्या है यहाँ पे -7b है, क्या है -7b, और z क्या है यहाँ पे माइनस का c है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, चाहे आप x y z ले लो, चाहे a b c ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बस फॉर्मूला सेम है आपका। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। चलो वैल्यू रखे हैं इन सब की, रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना हमारे पास 3a, मतलब 3a का स्क्वायर, प्लस वाई कितना हमारे पास -7b का स्क्वायर, प्लस जेड कितना हमारे पास -c का स्क्वायर, प्लस 2x कितना हमारे पास 3a है, x कितना हमारे पास 3a इंटू वाई कितना हमारे पास माइनस का 7b, ठीक है, ये सॉल्व हो गया उसका, प्लस 2y कितना हमारे पास माइनस का 7b इंटू जेड कितना हमारे पास माइनस का c, प्लस 2 इंटू जेड कितना हमारे पास, जेड हमारे पास माइनस का c, इंटू x कितना हमारे पास 3a, ठीक है। ये सभी वैल्यू हमने रखी, इसको सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद 3a का होल स्क्वायर क्या हमारे पास 9a स्क्वायर, 3 3 9 हो जाते हैं ना, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और a का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। उसके बाद 7b का होल स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49, 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना 49 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, -7b का होल स्क्वायर है तो -7 और -7 क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस 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 ही होता है 49b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर। -c का जब स्क्वायर होगा मतलब -c × -c, तो क्या हो जाता है आपके पास +c का होल स्क्वायर। तो ये जो -c का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, -c दो बार है, स्क्वायर जब भी होगा माइनस का तो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो ये c का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो लास्ट प्लस डाल दूं, 3 × 6 6 7 42, मतलब माइनस का 42, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, उसके बाद a एंड b, अगर एक भी माइनस रहा तो मल्टीप्लाई के केस में माइनस आ जाता है, अगर दो रहते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 7c, 7 × 14 कितना हो गया ये 14 bc, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो एज इट इज रहेगा ये। उसके बाद प्लस, ठीक है, 2 2 3 6 6 c है और a है, c कितना किसका माइनस का, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई के केस में एक भी अगर माइनस आया इसमें, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो चीज माइनस बन जाती है। चलो लास्ट क्या है हमारे पास, 9a स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 42ab प्लस 14bc प्लस माइनस माइनस bca, मतलब b नहीं है ये 6 है, ठीक है, 6ca, ये हमारा क्या है सारा आंसर, ठीक है।